आप सभी का बहुत स्वागत है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अतुल एक बार फिर आपके साथ, और आज तीन स्टॉक का रिव्यू करेंगे हम लोग। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के तीनों स्टॉक हैं और आज अच्छी तेज़ी के साथ मार्केट बंद हुआ है। हालांकि सुबह मार्केट में काफ़ी वीकनेस थी, लगभग एक टाइम लगभग 100 पॉइंट निफ्टी नीचे जा चुका था, बट फिर भी जो डेली सपोर्ट है निफ्टी का 10,870 उसके ऊपर की क्लोजिंग आई, जिसको हम काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं। 10,870 के नीचे की क्लोजिंग जब आएगी तब फिर मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, बट फिलहाल 11,000 के ऊपर की क्लोजिंग एक पॉजिटिव इंडिकेशन है मार्केट के लिए और एक अच्छा साइकोलॉजिकल यू नो ब्रेकआउट भी है। 11,000 के ऊपर अगेन बंद होना एक अच्छी बात भी है, बट यहाँ पर हम एश्योर नहीं हो सकते कि मार्केट में अभी तेज़ी वापस आ चुकी है। ठीक है, तीन स्टॉक की चर्चा करेंगे, DHFL, सेरिनफ्रा एंड यस बैंक। DHFL में आप सभी को पता काफ़ी गिरावट रही थी पीछे दौर में, बट आज एक 15.5% की तेज़ी के साथ बंद हुआ है। DHFL के दोस्तों देखिए, जो रेंज है अभी, जो रेजिस्टेंस आप मान के चलिएगा वो 340 का है और जो सपोर्ट है वो 370 का है, 370 एंड 340। यानी अगर 270 के नीचे की क्लोजिंग आती है DHFL में देन आपको एग्जिट करना है, और अगर 340 के ऊपर की क्लोजिंग आती है फिर आपको फ्रेश पोजीशन बनानी है इसमें। तो ये दो लेवल्स आप इसमें ध्यान रखिएगा। जब तक स्टॉक में 270 और 340 के रेंज में ट्रेड कर रहा है तब तक आपको एज इट इज़ अपनी होल्डिंग्स को बरकरार रखना है, ना ही सेलिंग करनी है ना ही फ्रेश बाइंग करनी है, जस्ट होल्ड करना है। सो आप लेवल याद रखिए, 270 इन द डाउन साइड डायरेक्शन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट एंड 340 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस लेवल, जो कि आपको ध्यान में रखना है। 340 के ऊपर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है, 270 के नीचे अगर कोई शॉर्ट टर्म का निवेशक है तो उसको बाहर आने की सलाह रहेगी अगर क्लोजिंग आती है। दो बोथ टारगेट्स आर ऑन द क्लोजिंग बेसिस। सेरिनफ्रा में 30 रुपये, जो कि हमने कहा था आपसे 30 रुपये का जो सपोर्ट है वो एक मजबूत सपोर्ट है, अगर 30 रुपये टूटा तो लगभग 16 से 18 रुपये के टारगेट भी हमें सेरिनफ्रा में दिखाई देते हैं। बट फिलहाल आज एक अच्छी तेज़ी मार्केट में रही, एक अच्छी तेज़ी सेरिनफ्रा में भी रही, और इवन अगर मैं बात करूँगा तो इररेस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट डाउन साइड सेरिनफ्रा पूरे दिन पॉजिटिव में रहा। सुबह जबकि मार्केट लगभग 100 पॉइंट नीचे था उस वक्त भी सेरिनफ्रा पॉजिटिव ग्रीन में ही चल रहा था, ठीक है, और जो उसकी क्लोजिंग आई है वो भी काफ़ी अच्छी क्लोजिंग रही है। और अगर पीछे हिस्टोरिकल चार्ट की बात करते हैं तो दोस्तों जो सेरिनफ्रा का जो बॉटम है, जो बेस है, वो 5 जून 2015 यानी 5th ऑफ जून 2015 को ये इसी बेस से इसने चलना स्टार्ट किया था। आप देख पाएंगे ये जो हम जहाँ पर सर्किल मूवमेंट कर रहे हैं, ये जो सपोर्ट लेवल है ये 5th ऑफ जून 2015 का था और ये 30 रुपीज़ 60 पैसे का सपोर्ट था। इसके बाद नॉन स्टॉप स्टॉक ने वी शेप में एक वर्टिकल डायरेक्शन में गया और लगभग 137-138 के लेवल पर ये 137-138 के लेवल पर ये स्टॉक ने बंदी दिखाई। उसके बाद वहाँ से जब एक गिरावट का दौर शुरू हुआ तो स्टॉक ने लगभग वापस 30 रुपीज़ का लेवल टच किया, बट उसके नीचे की क्लोजिंग नहीं थी, इवन उसके नीचे ज़्यादा गया भी नहीं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि ये पिछले 3 साल पुराना जो सपोर्ट है उसको मेंटेन किया हुआ है और उसके नीचे की गिरावट इसने नहीं दिखाई। यहाँ से इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा वो लगभग 47 रुपीज़ का रहेगा, यानी कि डाउनसाइड का जो आप एग्जिट स्टॉप लॉस मान के चलेंगे सेरिनफ्रा में, एग्जिट स्टॉप लॉस मैं फिर से बोल रहा हूँ साफ, सेरिनफ्रा का एग्जिट स्टॉप लॉस 30 रुपीज़, और जो फ्रेश पोजीशन बनानी है वो अबव 47 क्रॉस करने के बाद, अगर 47 के ऊपर की क्लोजिंग आती है तभी आप लोग सेरिनफ्रा के अंदर फ्रेश पोजीशन बनाएंगे। जब तक के लिए केवल जिन लोगों के पास है वो अपनी होल्डिंग्स को एज इट इज़ रखेंगे विद स्टॉप लॉस, एग्जिट स्टॉप लॉस एट 30 एंड द रेजिस्टेंस एज द 47 रुपीज़। यस बैंक, बहुत क्राइसिस चल रहा है फिलहाल बैंक के अंदर, काफ़ी गैप्स पैटर्न ऑलरेडी क्रिएटेड हो चुके हैं, और एक आज अच्छी बात रहेगी, एक अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ एक मार्केट में क्लोजिंग आई, लगभग 9.5% की तेज़ी के साथ स्टॉक बंद हुआ है। 176 जो हमने आप सभी को 175-176 जो हमने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बताया था स्टिल मेंटेन्ड है वो भी। फ्राइडे को हालांकि 165 तक गया था स्टॉक, बट अभी भी स्टॉक ने क्लोजिंग नहीं दी है, स्टॉक ने अभी भी क्लोजिंग जो दी है वो 175 के ऊपर ही दी है, यानी कि फ्राइडे को जो क्लोजिंग थी लगभग 183 की क्लोजिंग आई थी और अभी स्टॉक 200 भी क्रॉस कर चुका है। तो ये एक अच्छी बात है, बट
यहाँ पर एक छोटा सा इशू अभी और है कि इसने फ्राइडे की हाई को भी क्रॉस नहीं किया आज। अगर फ्राइडे का हाई देखेंगे तो 204 रुपए का था, जबकि आज का हाई 203 रुपए 80 पैसे का था। तो फ्राइडे का हाई अभी स्टिल इंटैक्ट, अभी ब्रेक नहीं हुआ। एक बार फ्राइडे हाई ब्रेक होता है देन रजिस्टर्स लेवल 230 रहेगा आपका। 230 के बाद यस बैंक के अंदर फ्रेश पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। जब तक 230 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं आती स्टिल वेट कीजिएगा। 175 स्ट्रिक्ट एग्जिट स्टॉप लॉस रहेगा ऑन द क्लोजिंग चार्ट, और 230 रुपीज़ के ऊपर आपका फ्रेश पोजीशन बनाने का लेवल रहेगा विद एन स्टॉप लॉस ऑफ 220 रुपीज़ 222 रुपीज़। तो ये इन तीनों के स्टॉक के लेवल्स मैंने आपको बताए। रेस्ट आप लोग भी चार्ट एनालिसिस कीजिएगा, स्टॉक्स के बारे में जो भी न्यूज़ वगैरह वो पढ़िएगा, और उसके बाद जो भी आपके डिसीजंस हों वो आप जरूर लीजिएगा जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही शेयर करेंगे आपका, अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात करेंगे कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल मनी ट्री। दोस्तों पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल के आइकन प्रेस करेंगे तो अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाएंगे और आप समय से पहले ही उस स्टॉक की चाल को समझ पाएंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।